अध्यक्ष महोदय, इस अर्थ संकल्प में भाषण करने का मौका मुझे मिला, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी अर्थ संकल्प में बहुत सारी चीजों पर मार्गदर्शन हुआ है, चर्चा हुई है। उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो बहुत लोगों ने उसके बारे में चर्चा की, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो महत्वपूर्ण विषय है। जैसी सुरक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा का विषय हो, ग्रामीण विकास का विषय हो, अन्न धान्य का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर माननीय मंत्री महोदय निर्मला सीतारामन जी ने भी प्रास्ताविक भाषण में मुद्दे उपस्थित की। मैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर सभागृह का लक्ष्य आकर्षित करना चाहता हूं, जो विषय मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। इस अर्थ संकल्प में हर घर जल और सबके लिए घर, ये जो दो मुद्दे उठाए गए हैं और उसका प्रावधान भी किया गया है, मुझे लगता है बाकी विषय महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मेरे जैसा जमीन में जुड़ा कार्यकर्ता जो हर दिन लोगों में जाता है, बस्ती में जाता है, गांव में जाता है, झोपड़पट्टी में जाता है, और आम आदमी जब मुझे मिलता है तो उसे बहुत लेना देना नहीं कि क्या दुनिया में चल रहा है, क्या भारत में चल रहा है, उसको चिंता रहती है कि मेरा घर कैसा मिले, घर में पानी कैसा मिले। और इसलिए आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि ये विषय उठाने के लिए मुझे आपने मौका दिया। आम आदमी के होते हैं ज्यादा से ज्यादा तीन अरमान, दो वक्त की रोटी, तन भर कपड़ा और हो अपना एक मकान। पूरे दिन करके काम, बिना किया आराम, आधी रोटी और थोड़ी सब्जी, पानी पीकर ही गुजर जाती है शाम। पूरी उम्र में करके काम, पूरी उम्र में करके काम, नहीं किया कभी आराम, एक एक ईंट जोड़कर भी नहीं हो पाता खुद का मकान। जिंदगी भर काम करते ही उनको अपना खुद का मकान नहीं होता, इसलिए वो दुखी रहता है, और जो मकान अभी उसको मिलने वाला है उसका वो मालिक होने वाला है, दादाजी बोले ना, और खुद सम्मानित होने वाला है। इसलिए इस बजट में मकान और पानी के बारे में, जो पानी जिसको हम जीवन कहते हैं, हर एक आदमी को हर दिन पानी लगता ही है और वो मिलने के लिए उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये बजट के ऊपर भाषण करते समय अध्यक्ष महाराज जी थोड़ा मुझे, महोदय मुझे थोड़ा और टाइम दे दे, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और बहुत कम मुद्दे है, पाँच सात मिनट में। आप कैबिनेट के मंत्री रहो, जी 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 जी, महाराष्ट्र सरकार में जब मैं स्कूल में और कॉलेज में था तब हमारी गांव के ग्राम पंचायत में जाकर कुछ मार्गदर्शन करता था, भाषण करता था। बाद में 15 साल मैं नगर परिषद में काम किया, शहर के बारे में सोचा। बाद में 25 साल महाराष्ट्र की विधानसभा में काम किया, वहां भी गरीब लोगों के लिए मैंने प्रश्न उठाया, और मैं स्वयं गर्वित कहता हूं कि आज देश के ये लोकसभा में गरीब लोगों के घर का और पानी का प्रश्न उठाने का मौका मुझे मिला है, और हर घर जल और हर आदमी को घर देने का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये घर बनाने के लिए कुछ नए कानून बनाए,
केंद्र और राज्य सरकार की अतिक्रमित जमीन जो है ये आवास के लिए उपलब्ध कर दी। डीसी रूल में कुछ बदलाव लाया और लोगों को घर देने के लिए बैंक में से कर्जा और बाकी की मदद भी की, इसलिए महाराष्ट्र एक नंबर का राज्य होगा जहां गरीब लोगों को घर मिलने वाले की संख्या ही ज्यादा होती है और ये घर का सपना वो पूरा कर सकते हैं। मैं मोदी जी को, हमारे नेता पंतप्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जब चुनाव में हम नारा लगाते थे और लगाते ही रहेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या वो घर की अवस्था थी? एक गरीब झोपड़ी में लोग रहते थे, खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, ऊपर का छप्पर फट गया है, मरीज हो तो उसको दवा नहीं, घर में हमारे महिला और बहनों के लिए गैस नहीं, चूल नहीं और सिगड़ी भी नहीं, ये थी घर की अवस्था 5 साल पहले। जब मोदी जी के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता हर घर गए और केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम किया उसमें मुझे खुशी है कि हर घर में एलपीजी गैस मिला, हर घर में विद्युत की रोशनी हो गई, हर घर में टॉयलेट दिया, जो घर में लगता है वो देने का प्रावधान हमारे मोदी जी सरकार ने और पंतप्रधान हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने किया और सुख और शांति से आज लोग अपने घर में गुजर रहे हैं। अब ऐसे घर जिसका वो मालिक हो गया है, और इसलिए मैं इस आंकड़े में नहीं जाना चाहता कि बजट में कितनी प्रोविजन हुई है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो विद्वान लोग तो चर्चा करेंगे ही और करना ही चाहिए। मैं तो विद्वान नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे आँख की दृष्टि ऐसी रहती है कि वो गरीब को घर कैसा मिले और उस घर में पानी कैसा मिले, इसकी राह हम देखते हैं। अपने दल के लोगों को बुलाना। मैं निर्मला जी सीतारामन, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके मंत्रालय गरीब लोगों के लिए, और मुझे खुशी है, देखो नाम में भी जादू होती है, नाम लिया हो रहा है, धन्यवाद बहन जी। निर्मला निर्मल नाम होता है, सीता सीता तो सीता मैया आपको सबको मालूम है और राम भी है, तो सब सच्ची तरह से अभी राम राज्य की शुरुआत हो गई है ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए मैं सीतारामन जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अनुराग जी, शायद अभी यहाँ नहीं हो गए, अनुराग जी हाँ राज्यसभा में है, सीता है, राम है, और अनुराग जी भरत के भूमिका में भी काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम किया, मैं पहले ही बोला बहुत सारे विषय जिसके ऊपर पैसा देना पड़ता है वो देंगे ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें गरीब का कल्याण होने वाला है, और इसलिए मुझे ये एक महत्वपूर्ण विषय लगता हूँ। मैं ये बजट को समर्थन तो करता ही हूँ, लेकिन पंतप्रधान जी आपके लिए दो पंक्तियां भी मैं पेश करना चाहता हूँ, और वो दो पंक्तियां मैं सादर करता हूँ। दो पंक्तियां, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, यह है बजट की शान। जनता को दिया बड़ा सम्मान, जनता बोले तो गरीब लोग, वो हमारी जनता है, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया, बढ़ जाएगी मोदी जी की शान, मोदी जी की शान इसके लिए बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों को दुखी होते हैं, क्यों होते हैं।